स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्किंग ऑफ अ टेलीफोन रिसीवर। अब टेलीफोन रिसीवर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वायर के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि वो फोन जो हम घर में यूज करते हैं जिन्हें हम PTCL फोन कहते हैं, उनकी वर्किंग हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्या मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास ये जो टेलीफोन रिसीवर्स हैं ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें, मतलब कि हम एप्लीकेशंस जो उसकी हैं उसमें हमारे पास ये टेलीफोन रिसीवर्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेलीफोन रिसीवर्स का वो किस तरह का होता है, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम शो कराती हूँ जिसके जरिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये बेसिकली बनते किस तरह से हैं। अब ये हमारे पास है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टेलीफोन रिसीवर। अब सबसे पहले जो इसमें हमारे पास एक जो चीज़ आती है वो हमारे पास है कि जब हम टेलीफोन रिसीवर के अंदर अपनी साउंड जो है वो भेजते हैं, यानी कि साउंड वेव्स, क्योंकि हमें पता है कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती हैं, यानी कि उनकी वेव फॉर्म होती है, ठीक है। और वेव्स फॉर्म जो है वो उसने यहाँ शो कराई है कि हमारे पास जब टेलीफोन यानी कि साउंड वेव जो है जब हम बोलते हैं मतलब कि उसके रिसीवर के अंदर, तो हमारी जो साउंड वेव्स उसके अंदर जब जाती हैं तो क्या होता है कि एक आगे से एक जो है एक डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम जो है वो हमारे पास क्या है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि डायफ्राम जो है वो हमारे पास एक ऐसा पर्दा सा है जिस जो कि क्या होता है जिस तरह बिल्कुल एक बारीक सी एक लेयर सी होती है जो कि जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह की एक शीट सी होती है बारीक सी जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। और वो जो है साउंड उस मतलब कि जब साउंड वेव उसके आके टकराती हैं तो उसमें कुछ इस तरह से वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो ऊपर आगे और पीछे जो है वो मूव कर सकती है, ठीक। अब उसके आगे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट लगाया है हमने। स्टूडेंट्स, परमानेंट मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि वो उसकी मैग्नेटिक जो पावर होती है या फिर स्ट्रेंथ जो है वो वीक नहीं होती, यानी कि वो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक अपने अपनी मैग्नेटिक पावर को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो उनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो हमेशा उसी तरह से रहती है, ठीक। अब उसके ऊपर हमने यानी कि परमानेंट मैग्नेट के ऊपर हमने एक कॉयल जो है वो वूंड किया, यानी कि उसके ऊपर लपेटा है इस तरह से, और उसके जो दो एंड्स हैं वो आगे अगले जो है वो वायर के थ्रू जो है वो अगले रिसीवर तक पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ से हम इनटेक देंगे यानी कि इनपुट अपनी साउंड के इनपुट डालेंगे, ठीक है, और आउटपुट में जो है रिसीवर को हमारी साउंड मिलेगी। यानी कि जिस तरह आपने देखा है कि यहाँ अगर इस्लामाबाद से मैं किसी को मतलब कि कॉल करती हूँ तो वो लाहौर तक जो है वो जाती है और हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनके थ्रू वो जो है वो हमारी आवाज़ दूसरे शहर तक या फिर आउट ऑफ द सिटी भी पहुँच जाती है या फिर आउट ऑफ कंट्री भी पहुँच जाती है, ठीक है। अब ये जो वायर्स हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, मतलब ये तो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अब वर्किंग में हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कि हमारे पास एक, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ, फिर हम वापस इसी पेज पर आएंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है हमारे पास कि करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अक्रॉस हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हमने ये रिसीवर्स बनाए हैं, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके क्रॉस हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिस तरह से आपको फिगर में शो कराया जा रहा है कि हमारे पास एक करंट की इनपुट यहाँ से दी जा रही है, यानी कि इनपुट करंट यहाँ से निकल रही है और यहाँ से मतलब कि करंट यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, और उसके अक्रॉस यानी कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन का कोर मतलब कि आयरन से बना हुआ रॉड है और उसके ऊपर हमने एक वायर जो है वो इस तरह से वूंड की है, तो हमारे पास यानी कि जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होगी या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये सिंपल मेरे पास एक आयरन का रॉड है और उसके अक्रॉस जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं कि ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। इसे हम इंड्यूस का नाम भी इसी वजह से देते हैं क्योंकि ये करंट की वजह से जनरेट हो रही होती है और हमें पता है कि करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है और उसके अक्रॉस जो है इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन भी शो की गई है कि हमारे पास क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो डिपेंड करती है कि करंट की क्या
डायरेक्शन है। लेकिन अभी जो हमने जिस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है वो यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी किसी मतलब कि किसी कंडक्टर के क्रॉस करंट मूव कर रही है तो उसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हम वापस जो है अपने टेलीफोन रिसीवर की वर्किंग की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हमने साउंड वेव्स इसके अंदर इनपुट की, यानी कि हमने साउंड वेव्स हमारी जो है वो इस डायफ्राम से टकराई, और डायफ्राम में क्या होगी, वाइब्रेशंस होंगी, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उसके अंदर जो है वो उसी तरह से एक टू एंड फ्रो मोशन होगी, यानी कि कभी वो अंदर जाएगा और कभी वो बाहर आएगा, या इस तरह से उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होगी। अब वो जो वाइब्रेट करेगा तो वो उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिस फ्रिक्वेंसी की हमने साउंड वेव उसके अंदर डाली है, यानी कि हमारे पास हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि एक एक सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही होंगी, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं, वाइब्रेशंस जो कि 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, अब 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस यानी कि साउंड वेव्स हमने उसके अंदर डाली हैं, उतनी वाइब्रेशन से हमारा डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट करेगा। अब जब डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो ये जो कॉयल जो मैग्नेट के ऊपर वूंड हुआ हुआ है, यानी कि लपेटा हुआ है, वो भी वाइब्रेशंस करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, और उसकी वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो मैग्नेट है, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास केस है कि ये जो अगर मैं ये मेरे पास मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर जो कॉयल है, अगर मैं उसको दूसरे कलर से शो करूं तो वो मेरे पास जो कॉयल है वो कभी इसके अंदर जाएगा और कभी इसके बाहर आएगा, यानी कि कभी उसकी अंदर पोजीशन होगी और कभी बाहर पोजीशन होगी, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो कितने एरिया से गुजर रही है, यानी कि पर एरिया के लिहाज से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं। सही, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी उसमें से ज्यादा गुजरेंगी या कम गुजरेंगी उस कॉयल में से, उतने लिहाज से वो जो है वो करंट का सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिग्नल है वो प्रोड्यूस करेगा। सही, अब यानी कि इसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें पता है कि एक करंट मतलब कि मैग्नेट के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी वो इस वायर के थ्रू जो है ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में आगे रिसीवर तक पहुंचेगी, आगे अगले रिसीवर तक पहुंचेगी। तो ये जो है ये मतलब कि जो हमारा इनपुट का जो प्रोसेस था वो कुछ इस तरह से था जो कि हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि दूसरे एंड पे मतलब कि जो जो रिसीव कर रहा होगा वो उसको किस तरह से लेगा। अब देखें, हमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा है, यानी कि अब अगर हम देखें टेलीफोन रिसीवर की जो वर्किंग है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई वो हमें ये समझ आई कि इसने क्या किया कि साउंड जो हमारे पास मतलब कि इसने जो हमारे यहाँ जो साउंड यानी कि साउंड वेव्स को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो उधर क्या होगा कि हमारे पास, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं, कि हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, जब रिसीवर को वो चीज मिलेगी तो रिसीवर के पास जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा बिल्कुल इसी तरह से, तो उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि अगर कोई यहाँ बिल्कुल उसी तरह अंदर मैग्नेट लगा होगा, उसके अक्रॉस एक कॉयल में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसके क्रॉस क्या होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो उसकी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जब इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से वो उसी मतलब कि यानी कि उसी चीज को आगे डायफ्राम में कन्वर्ट करेगा, और डायफ्राम में उसी तरह वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और वो वाइब्रेशन जो है वो दोबारा से साउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो दोबारा से साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि रिसीवर जो है वो हमारी आवाज को उसी तरह से सुन सकेगा जैसे कि हमने उसे भेजी होगी। तो ये है स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रो मतलब कि टेलीफोन रिसीवर, जिसमें बेसिकली दो तरह के काम हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि फर्स्ट इनपुट के केस में हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है,
और रिसीवर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में कन्वर्ट हो रही है, और रिसीवर के एंड पे ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो दोबारा से जो है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक दफा साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होंगी और दूसरी दफा में हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो दोबारा से साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसके जो हमें रिसीवर के एंड पे सुनाई देंगी।